आज हो गई है 23 फरवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 893 एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आज फिर से आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। स्पेशली दोस्तों बेन स्टोक्स और वनांदु हसरंगा को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आई है और स्टोक्स ने तो सबका मूड खराब किया है। तो एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो तमाम आईपीएल खबरें हर रोज इसी तरह से सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे बड़ा बड़ा हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो ये खबर दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के नए स्पॉन्सर से जुड़ी हुई है। दरअसल आईपीएल की तर्ज पर डब्ल्यूपीएल शुरू किया गया है और डब्ल्यूपीएल को अपना टाइटल स्पॉन्सर मिल चुका है। दरअसल टाटा जो कि इस समय इंडियन प्रीमियर लीग मेंस का भी टाइटल स्पॉन्सर है, वो वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी टाइटल स्पॉन्सर होगा और अब डब्ल्यूपीएल को टाटा डब्ल्यूपीएल के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर भैया हम तो यही कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट और आईपीएल को सपोर्ट करने के लिए टाटा के नाम एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो अगर आप इस साल आईपीएल के मैचों को स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं, जाहिर है पहली बार लगभग 4 साल के अंतराल में आईपीएल के मैचेस होंगे, तो आपको थोड़ी सी अपनी जेब जो है वो ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि 500 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए तक की टिकटों को रेंज में रखा है बीसीसीआई ने। मतलब अगर आप टिकट बुक कराएंगे और एक मीडियोकर टिकट बुक कराते हैं तो आपको लगभग 1200 से 1300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 500 रुपए वाली टिकट बुक कराते हैं तो हो सकता है कि आपको शायद सीटिंग व्यवस्था अच्छी ना मिले। तो जाहिर है बीसीसीआई गेट मनी से काफी ज्यादा पैसा कमाने की तैयारी में है और इसीलिए थोड़ी सी टिकट वैल्यू को बढ़ाया गया है। स्पेशली जो लोग प्रीमियम कैटेगरी की टिकट से खरीदते हैं उन्हें बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी की टिकट बुक करेंगे, 1500 की, 2000 की या 40,000 की, कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए। पढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो जिस खबर का इंतजार था सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को वो आ चुकी है, क्योंकि फाइनली अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही एसआरएच के नए कप्तान का ऐलान हो चुका है। दोस्तों मार्क राम को ही कमान दी गई है, ना ही भुवनेश्वर कुमार ना ही मयंक अग्रवाल। ऐसे 20 में जो अच्छा प्रदर्शन किया था, जो कप्तानी का पैमाना दिखाया था एडन मार्क राम ने, उस पैमाने पर उन्हें आईपीएल में भी अब जज करेगी एसआरएच की टीम, क्योंकि मार्क राम होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के अगले कप्तान। अब भैया आप बताओ कि ये कप्तान कितने सफल होंगे। एडन मार्क राम को ऐसे कैप्टन आईपीएल में आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगी, वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना और लाइक कर देना अगर आपको भी मार्क राम की कप्तानी अच्छी लगती है या आप उन्हें देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एडिडास ने किट स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई के साथ डील की थी। अब आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इस डील की प्राइस वैल्यू का भी खुलासा हो गया है, जिसे सुनकर सचमुच मेरे दिमाग के तो परखच्चे उड़ गए, क्योंकि एक मैच की टीम इंडिया स्पॉन्सरशिप के लिए एडिडास 65 लाख रुपए बीसीसीआई को देगा। इस हवाले से साल भर में लगभग 70 करोड़ रुपए एडिडास कंपनी बीसीसीआई को देगी सिर्फ अपना नाम टीम इंडिया की जर्सी पर दिखाने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग इस पैसे को बहुत ज्यादा या बहुत कम में आंकेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि टीम इंडिया की वैल्यू सचमुच बहुत हाई हो गई और इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है, हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो आरसीबी और चेन्नई स्वामी स्टेडियम में इस साल मैच देखने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि कल चेन्नई स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलोर में स्थित है उसकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जो चेन्नई स्वामी स्टेडियम है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि आउटफील्ड तैयार हो चुकी है, पिचेस तैयार हो चुकी है और अब स्टेडियम वर्क्स चल रहा है। तो जाहिर है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तस्वीर के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि सबसे पहले वानखेड़े स्टेडियम तैयार हुआ था उसकी तस्वीर भी हमने आपको बताई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर श्रीलंका से आ रही है और ये बहुत बुरी खबर है आरसीबी की टीम के लिए। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट यह है कि पीएसएल के लिए वनांदु हसरंगा को एनओसी नहीं मिली है और अप्रैल में आईपीएल के लिए भी वनांदु हसरंगा को एनओसी नहीं मिलेगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबर यही है कि अप्रैल के महीने में जब आईपीएल चलेगा उस दौरान न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच सीरीज होनी है, जिसके तहत कई बड़े लंकाई खिलाड़ियों को
एनओसी देने के मूड में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, तो जिस तरह से पीएसएल में बनाने हसरंगा नहीं आ पाएंगे, उसी तरह से आईपीएल में भी अप्रैल में नहीं आ पाएंगे। हालांकि अगर बीसीसीआई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात करता है, इंटरवीन करता है, तो हो सकता है एनओसी मिल भी जाए। हमें पता है बीसीसीआई की ताकत कितनी है, और मेरे हिसाब से ये समय है इन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर बेन स्टोक्स के हवाले से आ रही है। बेन स्टोक्स ने अपना रंग दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को और आईपीएल भर के फैंस को बहुत ज्यादा मायूस कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड से जो खबर निकल कर आई वो सचमुच बहुत बुरी है, स्पेशली इंडियन प्रीमियर लीग के फैंस के लिए। और जितना भरोसा नीलामी में बेन स्टोक्स पर जताया था महेंद्र सिंह धोनी ने, सब पानी हो गया, क्योंकि स्टोक्स बोल रहे हैं कि वो आईपीएल के अंतिम मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। मतलब आईपीएल के नॉकआउट मैच जब प्लेऑफ चलेंगे उस दौरान बेन स्टोक अपने देश वापस लौट जाएंगे। आयरलैंड सीरीज और एशेज की तैयारी करने के लिए बेन स्टोक्स अपने देश वापस लौटेंगे। मैंने पिछले एक हफ्ते से लगातार आपको बता रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स को यह पता है कि बेन स्टोक्स को कंडीशनल एनओसी मिली हुई है, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स बेन स्टोक्स को कप्तान नहीं बनाएंगे। और कल ये रिपोर्ट ऑफिशियली आ गई कि स्टोक्स खुद भी कह रहे हैं कि वो पूरा सीजन अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो एक बुरी खबर तो है ही, दूसरी ये भी है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स को सचमुच ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान को कप्तान नहीं बना सकते जो कि अगर आप प्लेऑफ में पहुंच जाए तो कप्तानी ना करे और वापस अपने देश उड़ जाए। तो स्टोक्स के लिए तो नहीं, पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि हिंदुस्तान का फ्यूचर, उनके लिए लाइक जरूर बनता है। और बताइएगा जरूर दोस्तों कि बेन स्टोक्स की इस हरकत के लिए और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर जो करते हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा क्यों हो रहा है, होना चाहिए या नहीं, अपनी राय लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो पाकिस्तान सुपर लीग में फिर से पाकिस्तान का काला चेहरा देखने को मिला है, और इस बार इस काले चेहरे की सूत्रधार बनी है पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर। दरअसल लाहौर कलंदर इस समय सोशल मीडिया और ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें इन्होंने अपने प्लेयर की तस्वीर जरूर डाली लेकिन कैप्शन में लिख दिया द टी इज फैंटास्टिक। दरअसल इनके जो खिलाड़ी थे वो इस तस्वीर में लाहौर कलंदर के प्लेयर चाय पी रहे थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि जब हमारे जो पायलट है, जो कुछ दिन पहले पुलवामा अटैक के बाद हमने इन पर हमले किए थे, इनकी बैंड बजाई थी, उस समय हमारा एक एयरक्राफ्ट इनके इलाके में गिर गया था और हमारे जो पायलट है अभिनंदन वर्तमान, वो वहां पर पकड़े गए थे। हालांकि बाद में इनको डर के मारे हमें लौटाने पड़े थे हमारे पायलट, लेकिन उस दौरान जब अभिनंदन ने चाय पी थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी द टी इज फैंटास्टिक। और उस समय पाकिस्तान में ये जो लाइन थी, ये जो कैप्शन थी, बहुत बड़ा मीम बना था, ये भारत को चढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन पीएसएल की फ्रेंचाइजी का इसे इस्तेमाल करना ये बताता है कि कितने ज्यादा अनप्रोफेशनल है। इन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ना इनके खिलाड़ियों को, इनको बंदूकें दो, आतंकी बनाओ और आतंकी हमले करवाओ, मैं तो यही बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों स्टार के हवाले से निकल कर आ रही। वैसे तो मिचेल स्टार आईपीएल में आते नहीं है, लेकिन मिचेल स्टार की जो वाइफ है एलिसी हैली, वो यूपी वॉरियर्स की वुमेन्स प्रीमियर लीग में कैप्टन बन गई हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा हैली से कि भैया स्टार को भी लेकर आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन आते नहीं, क्या करें, क्यों नहीं आते, बताइए कमेंट बॉक्स में। दस बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो नई टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस समय नंबर एक पर जड्डू तो वहीं नंबर दो पर अश्विन चल रहे हैं। ये वही जोड़ी है जिसने लगभग चार पाँच साल पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को बहुत सुनहरे पल दिखाए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस जोड़ी को हम उतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे। बट अब इनका रिटर्न ये बताता है कि भारत में जो इस साल वर्ल्ड कप है उसमें इन दोनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये थी भैया दिन भर की दस बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कौन सी खबर अच्छी लगी आपको, कौन सी नहीं, क्योंकि यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट दबाइए, बेल आइकन दबाइए।